नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह sharefreak.in से। आज हम लोग बैंक निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही शानदार दोनों साइड की रैली दी और ये एक बार नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया। अभी कल के दिन क्या करना है कि बैंक निफ्टी अगर जैसे ही अपने हाई, जो आज का हाई और कल का हाई है 38,377 और कल का हाई है 38,355, तो कल इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है आपको नया एक मूव 38,500 से लेकर 450 तक आएगा। नीचे में जो था बैंक निफ्टी का सपोर्ट इस लेवल पे था। इंट्राडे में हम देखेंगे, इसको समझेंगे कि इंट्राडे में क्या एग्जैक्टली दिख रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है और बैंक निफ्टी ने जो ये एक ब्रेकआउट था यहाँ पे, इस लेवल पे जो ब्रेकआउट था उसी लेवल से बैंक निफ्टी ने अपना रिवर्सल दिखाया है और ऊपर में जो ट्रेंड लाइन आया है वहां पर रिटेस्ट किया है। कल के दिन क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी या तो थोड़ा कंसोलिडेट करे और यहाँ पर आकर वापस ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन के पास जाए। जो लेवल आएगा इस ट्रेंड लाइन का वो आएगा अराउंड 38,440 का। सो जो हमारा ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, जो ये हेड एंड शोल्डर हमने बताया था उसका टारगेट है, तो ये अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा रैली कल आने का चांसेस बनेगा। सेकंड सिनेरियो, कल के दिन भी अगर ऐसा कंसोलिडेशन मिलता है बैंक निफ्टी में तो कल दिन भर एक रेंज बाउंड में रहेगा और अगले दिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट देगा जो 38,500 की तरफ जाएगा। तो ये दो सिनेरियो है बैंक निफ्टी में बुलिश के लिए। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ वापस यहाँ रिटेस्ट कर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ आता है तो नीचे में फिर से वापस इमीडिएट सपोर्ट, आज का जो लेवल था एग्जैक्ट वहीं पर आपको 37,300 के आसपास मिलेगा। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का, जहां से एक बहुत ही शानदार बाउंस बैक आया, वही सपोर्ट आपको फिर वापस बैंक निफ्टी में इधर भी देखने मिलेगा। 38,060 का ये ब्रेकआउट है ये लाइन, और इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये एक फिर से वापस रेंज में हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के। इस रेंज में जैसे बाहर निकलेंगे बैंक निफ्टी का, जिस साइड में निकलेगा उधर ट्रेड मिलेगा। और आज के दिन जो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया वो ओपन इंटरेस्ट चार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही शानदार एक ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में और वहां से एक पुलबैक भी आया जो बैंक निफ्टी को लास्ट मोमेंट में अपने लॉस को मिनिमाइज करने में काम किया। तो बैंक निफ्टी का ये लाइन चार्ट है, ये जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था आज और वापस इसके ऊपर क्लोजिंग दिया। दिस इज अ वेरी गुड साइन कि बैंक निफ्टी ने इस लेवल को होल्ड किया। जो लेवल ये था बैंक निफ्टी का 37,803 के आसपास का था लेवल, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। कल के दिन वापस यहां से अगर मूव आता है ऊपर की तरफ तो बैंक निफ्टी वापस 39,000 की तरफ भी 38,500 की तरफ निकल जाएगा। तो आपको अब इमीडिएट सपोर्ट जो बनकर आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर वो आ रहा है 37,780। ये आपको क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट बनकर आ रहा है बैंक निफ्टी में। जब तक इसके ऊपर है आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बना कर रखनी है। अगर इसके नीचे डेली बेसिस में क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तभी नीचे का हमें सोचना है, अदरवाइज बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी। अगर यहाँ कंसोलिडेट करेगा तो हमारा टारगेट और इंक्रीज कर जाएगा 39,000 की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको देखने के लिए कल चाहिए वो है यहाँ। मैंने बोला था कि अगर डायरेक्ट यहाँ तक गया तो इमीडिएट यहाँ पर आएगा, फिर वापस आपको नीचे में एक मूव मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी स्पेस कम दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अगर इसके ऊपर निकलना है तो इसके ऊपर एक गैप अप देना पड़ेगा, तब जाकर बैंक निफ्टी ऊपर 39,500 की तरफ जाएगा। नहीं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और अपना एक स्पेस को इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर वापस यहाँ से एक बड़ा मूव निकलेगा 38,900 के लिए। अभी जो नया ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो बनकर आ रहा है आपको वो आएगा ये। तो अब क्या हो गया डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का, अब ये रेंज बनकर आ गया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये असेंडिंग सिमेट्रिकल पैटर्न है जो जहां पर बैंक निफ्टी का ये रेंज बनकर आ गया। तो इसमें अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा, इससे बाहर निकला तो ऊपर में वापस 39,500 का टारगेट आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में। सो फाइनल लेवल में बता दे रहा हूं आपको, जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 37,780 क्लोजिंग बेसिस पर। इसके नीचे होगा तभी हम वीकनेस समझेंगे, अदरवाइज नहीं। ऊपर में 38,450 पहला रेजिस्टेंस आपको मिलकर आएगा। उसके बाद अगर ये रेंज में रहा तो धीरे धीरे ऊपर 39,000 की तरफ जाएगा। अगर रेंज के बाहर डायरेक्ट खुला तो फिर सीधा यहां से 1000 पॉइंट का मूव आपको चार्ट के अनुसार हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे लेवल है आपको नोट करना है। चलिए अब डेटा में देखते हैं और समझते हैं कि डेटा में क्या डेवलपमेंट हुआ है मंथली एक्सपायरी के लिए। बैंक निफ्टी 37,900 के ऊपर क्लोजिंग दिया है और 37,900 लेवल पे कॉल साइड में 4,41,000 का राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट है 2,00,000 आज ही ऐड हुआ है और 4,49,000 का पुट साइड में है, 25,000 का आज अनवाइंडिंग भी हुआ है। एक ट्रैप भी हो सकता है कल के दिन, क्योंकि पा रहे हैं कि बहुत सारे अनवाइंडिंग यहां पर दिख रहे हैं पुट साइड में, जो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
बट स्टिल बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल पे कॉल साइड में शॉर्ट्स बहुत क्रिएटेड है। 38,000 लेवल पे 17 लाख है, 7 लाख है 38,100 पे, 11 लाख है 38,200 पे, 38,300 पे आपको 8 लाख है, 37,800 पे 5 लाख है, कॉल साइड में 3 लाख है 700 पे, और पुट साइड में मेजर सपोर्ट जो बनकर आ रहा है आपको वो आ रहा है 37,800 लेवल, जहां पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है एंड 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है। बट ये जो अनवाइंडिंग हुआ है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे वो पुट साइड में पैनिक जो क्रिएट हुआ था वो पैनिक इसी कारण हुआ था, इन अनवाइंडिंग के कारण। और कल मैंने बोला था कि इस 38,700 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इवन 38,000 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बैंक निफ्टी जैसे ही 38,000 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे और भी अनवाइंडिंग होने का हम देख सकते हैं, और उसके कारण बैंक निफ्टी एटलीस्ट 38,200 के ऊपर चला जाएगा। 38,200 पे के ऊपर टिकते ही बैंक निफ्टी में जो कॉल साइड में 17,68,000 का शॉर्ट क्रिएटेड है, प्लस 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस ये 7 लाख, इन सब में पैनिक स्टार्ट होगा क्योंकि कल वेंसडे है एंड थर्सडे इज एक्सपायरी। तो इनमें अगर वाइंडिंग चालू हुआ तो बैंक निफ्टी इजली 38,500 की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही पुट साइड में 38,000 लेवल पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और नीचे में 4 लाख, यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। सो आज सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि ऊपर के लेवल पे जो पुट में अनवाइंडिंग हमें दिख रहा है वो हो चुका है ऑलमोस्ट, और बहुत सारे शॉर्ट भी नहीं दिख रहे हैं नीचे के लेवल पे। ये इतने सारे शॉर्ट्स जब नहीं है तो बैंक निफ्टी तो इनमें और अनवाइंडिंग होने का भी चांसेस कम है। अगर इनमें अनवाइंडिंग नहीं होगा तो बैंक निफ्टी नीचे के तरफ ज्यादा नहीं फिसल सकता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अनवाइंडिंग नहीं है। इनकेस अगर जब तक बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे नहीं जाता है ये सारे स्ट्राइक प्राइस पे अनवाइंडिंग नहीं होगी, और 12 लाख का जो यहाँ ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में यहाँ पे थोड़ी बड़ी अनवाइंडिंग हम देख सकते हैं। तो डेटा के अनुसार क्या दिख रहा है हमें कि पुट साइड में ज्यादा नीचे डाउनसाइड का लेवल हमें नहीं दिख रहा है, बट स्टिल अगर बैंक निफ्टी 37,700 के नीचे क्लोजिंग दे देता है इन सारे लेवल्स पे 37,800, 900 एंड 38,000 इन सारे लेवल पे जो ओपन इंटरेस्ट पड़े हैं इनमें अनवाइंडिंग होने का चांसेस रहेगा। तो फाइनल लेवल कल के लिए आपको आएगा फर्स्ट 38,000, इस लेवल पे आपको बहुत ध्यान से देखना है। 12 लाख इधर है, इधर 15 लाख है। कल के दिन जैसे ही अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए अगर 200 पॉइंट ऊपर खुलता है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग बहुत तेजी से होगा जो बैंक निफ्टी को 200 से 300 पॉइंट और ऊपर की तरफ खींच कर लेकर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो शॉर्ट बहुत ज्यादा पुट साइड में नहीं है, तो इनमें कवरिंग अगर होगा भी तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे गिरने का मुझे चांसेस नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि इनमें कवरिंग कब आएगा शॉर्ट कवरिंग, जब बैंक निफ्टी 38,700 और 800 के नीचे चला जाए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है जिस तरह का चार्ट में भी दिख रहा है, क्लोजिंग भी जो हुआ है बैंक निफ्टी में। मोस्टली हो सकता है कल के दिन मार्केट फ्लैट रहे, एक छोटे से रेंज में काम करे, और वो रेंज बनकर आपको आएगा 37,700 से लेकर 38,100 के बीच में, ये रेंज बनकर आ सकता है, ठीक है। इस रेंज को ध्यान दीजिए और ट्रेड बनाइए। और चार्ट में जैसे मैंने बताया है, जो सिमेट्रिकल पैटर्न में जैसे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है इस लेवल में, हो सकता है कल के दिन यहाँ छोटा कैंडल बने और एक बार नीचे आए, एक बार ऊपर आए और छोटा सा कैंडल बनकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दे और यहाँ से फिर वापस रिटर्न हो अगले दिन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग या राइटिंग किस लेवल पे हो रहा है, उसके बाद ही आपको नया ट्रेड लॉन्ग के लिए बनाना पड़ेगा। Now we will have a look on Nifty chart in 2 minutes कि Nifty में क्या exactly development हुआ है, कि Nifty ने अपने इस breakout को defend किया है। ये level जो बनकर आएगा आपको कल के लिए वो 17,785 का आएगा। इसके ऊपर जब तक Nifty टिका हुआ है आपको buy on dip की strategy बना के रखनी है, और ऊपर में जो ब्रेकआउट आएगा आपको में वो आएगा 18,000। तो 18,000 के ऊपर अगर Nifty ब्रेकआउट देता है तो ऊपर का एक मूव जो यहाँ से इधर के लिए निफ्टी में मिल सकता है, ये लेवल जो निफ्टी में बनकर आएगा वो आएगा अराउंड 18,230 का। सो ये हफ्ते में अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो 18,200 की तरफ जा सकता है, और नीचे की तरफ सपोर्ट बनकर आ रहा है 17,785 का। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट बनकर आ रहा है निफ्टी में वो आ रहा है आपको 17,645 का, राइट। और नेक्स्ट लेवल जो लास्ट लेवल है निफ्टी के सपोर्ट का वो आ रहा है 17,445। ये सारे लेवल्स को आपको याद रखना है और उसके अनुसार ही
ट्रेड बनाना है। एक बार लोग डेटा में देख लेते हैं निफ्टी के डेटा में देख सकते हो कि 17,748 के आसपास क्लोजिंग दिया है निफ्टी। यहाँ पे कॉल साइड में 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें 11 लाख आज ही ऐड हुआ है एंड पुट साइड में 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जिसमें 3 लाख आज ऐड हुआ है। 17,800 लेवल पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट है एंड 32 लाख का पुट साइड में जिसमें 11 लाख का आज अनवाइंडिंग हुआ है। सो ये जो अनवाइंडिंग 11 लाख है मतलब कि यहाँ पे 17,800 पे आज दोनों कॉल और पुट साइड दोनों में ऑलमोस्ट बराबर डेटा था और इसलिए निफ्टी बार बार इस लेवल को टच कर नीचे की तरफ आ रहा था। अभी निफ्टी में 17,700 लेवल पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। सो यहाँ इसलिए सपोर्ट मिल चुका है बैंक निफ्टी को और 17,650 लेवल पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 5 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में। तो निफ्टी का 17,800 का जो लेवल है उसके ऊपर निफ्टी निकलेगा तो पीछे में जो 31 लाख ये सबसे मेजर और उसके बाद ये 12 लाख ये सबसे मेजर 17,600 लेवल पे 17,700 इन दोनों में अनवाइंडिंग चाहिए। अगर इन दोनों में अनवाइंडिंग होता है तो निफ्टी आराम से 17,800 के ऊपर ऑलमोस्ट 17,900 के पास जाकर होल्ड कर सकता है। 17,900 लेवल पे बहुत ही ज्यादा ऑल राइटिंग है 66,83,000 का और पुट साइड में ओनली 17,000 है। तो 17,900 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में एंड 17,600 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस एक्सपायरी के लिए। दिस इज अ लॉन्गर रेंज, वी कैन सी द शॉर्टर रेंज वेयर 17,700 इज अ इमीडिएट सपोर्ट एंड 17,800 इज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। ठीक है, तो ये डेटा में हमने बता दिया है, ये स्मॉलर रेंज एंड बिगर रेंज और चार्ट में भी हमने समझा दिया है। ट्राई टू कवर बैंक निफ्टी निफ्टी बोथ कैन गेट एन आइडिया ऑफ द मार्केट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर मैं सारे लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। मीट यू टुमारो विद द न्यू लेवल्स। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद।